in today's video lecture i am going to cover general anesthetics and uh, it is literally a complicated topic and uh, to be honest there are no much mnemonics available and uh, you cannot relate this much we have to make an extra effort to remember this so uh, but luckily i have made a sum up of all of the easy handy things uh, so that you will be able to learn a lot from this so take a deep breath calm down and at the end of this video you will be able to cover purpose stages types mechanism of action indications side effect all of the things related to general anesthetics you will be able to cover so let's get right into it first of all why do we give it uh, it's time to remember some fancy time so the purpose of anesthetics are um, to lose pain फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भले से लोकल हो या जरनल एनेस्थेटिक्स हो फिलहाल तो हम जर्नल की बात कर रहे हैं लेकिन अगर आपको रूट कैनाल करवानी है आपके दांत में दर्द है या किसी हाथ पे जो है दर्द है उसकी सर्जरी या कुछ भी काम होना है तो ओबियसली लॉस ऑफ पेन चाहिए होता है तो एनलजेजिया लेकिन अब हम जनरल एनेस्थेटिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो नेक्स्ट हमारे पास एनलजेजिया के साथ साथ क्या होगा एमनेजिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी सो so, सिंपल uh, सा क्वेश्चन भी आ सकता है एमनेजिया का मतलब क्या है एम एन एम सो एमनेजिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी एंड एनर्जेसिकेसिक हम यूज़ किस लिए करते हैं पेन किलर है वो एनलजेसिक तो एनर्जेजिया लॉस ऑफ पेन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस रिफ्लेक्संस इट्स मोर लाइक सिमिलर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लेकिन इस तरीके से समझें कि अगर कोई गर्म चीज़ लग रही है तो फ़ौरन से आपका हाथ हिल जाना पीछे जाना वो रिफ्लेक्स होता है तो Uh, इसमें सारे रिफ्लेक्सेस लॉस हो जाएंगे क्योंकि सर्जिकल ऑपरेशन uh, करना है स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन या हमारे पास दूसरा मेन फंक्शन होता है जर्नल एनेस्थेटिक्स का सो मूवी सो व्हाट आर द स्टेजेस सबसे पहले हमने क्या करना है इंट्रोड्यूस कराना है अपने एनेस्थेटिक को इंडक्शन अनर्जेजिया का पीरियड आ जाएगा एन, मतलब जब जैसे ही आपने uh, एनेस्थेटिक दिया है तो फ़ौरन से हमारे पास पेन लॉस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा और एमनीजिया हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता मे बी इसमें ज़रूरी नहीं है और इसी तरीके से कॉन्शियसनेस कम्प्लीटली लॉस नहीं होता लेकिन थोड़ा थोड़ा इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस की तरफ आना शुरू हो जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अभी दिया है इंडक्शन एनलजेजी को आपने इंट्रोड्यूस करवाया है एनलजेजिया uh, को आपने इंट्रोड्यूस करवाया है एमनीजिया हो भी सकता है नहीं भी हो सकता मे भी और कॉन्शियसनेस ऐसा नहीं होता टोटल लॉस हो जाए एम्पेयर्ड यानी अभी स्टार्ट का पीरियड है आप पूरे बेहोश नहीं हुए नाउ एक्साइटेशन एक्साइटेशन स्टेट क्या होते हैं आपकी जो वाइटल्स ना वाइटल्स में आप मेनली हम ये बात कर रहे होंगे सी और रेस्पायरेटरी फंक्शन की ना तो ये दो मेन वाइटल्स हैं ब्रेन की अभी हम बात नहीं कर रहे तो एक्साइटेशन में सी और रेस्पायरेटरी फंक्शन क्या होते हैं इसमें ज़्यादा हो रहे होते हैं एक्साइटेशन के नाम से ही पता चल रहा है सेकेंड स्टेज एकदम से जो है ना नहीं होगा फिर सर्जिकल एनेस्थेजिया इट इज़ डीप कामनेस स्टेज नाउ द सर्जिकल प्रोसीजर हैज़ टू बी डन इसमें क्या होता है सारी कंडीशंस आपकी नॉर्मल होती हैं मींस बीपी हार्ट रेट रेस्पिरेटरी फंक्शंस ऑक्सीजन सेचुरेशन ये सारी चीज़ें नॉर्मल जा रही होंगी आपकी लेकिन आपका जो है एनलजेजिया और एमनेजिया की कंडीशन होगी लॉस ऑफ मेमोरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड लॉस ऑफ पेन ठीक है नाउ अगर ये कंडीशन वर्स हो गई वाइटल्स नॉर्मल से ऊपर जाना शुरू हो गए वाइटल्स डिप्रेस होने शुरू हो गए वाइटल डिप्रेशन क्योंकि हम जो एनेस्थेटिक्स देते हैं वो हम अपने वाइटल्स को डिप्रेस कराने के लिए देते हैं कि स्केलेटल ब्रेन को काम करा देते हैं सारा ये कोई काम नहीं करे तो मेड्यूलरी डिप्रेशन का मतलब वाइटल्स डिप्रेशन दिस इज़ एन अनवांटेड स्टेज हम नहीं चाहते कि ये चीज़ हो हमारे साथ मेड्यूलरी डिप्रेशन इज़ एन अनवान्टड स्टेज ओके now moving towards classification for sake of complete uh, completion i have uploaded it but uh, if you want to remember it so you can kyunki hum aage jo classes padhenge mechanism of action ke lihaz se wo zyada hamare liye important hai uh, but if you do want to remember तो इनहेलेशन में गैस है नाइट्रस ऑक्साइड है वोलेटाइल लिक्विड्स हैं हमारे पास हेलोथेन इन फ्लूरन आइसोफ्लूरन ये सब हम आगे जाकर पढ़ेंगे तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आई वुड सजेस्ट यू कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के, के लिहाज से जो है आ, याद करेंगे हम तो हमारे एग्जाम्स के लिए अच्छा होगा एंड बाकी आईवी में हमारे पास बस आप नाइट्रस ऑक्साइड और हेलोथेन वाले निकाल देंगे तो सारे आईवी में फिर स्लोअर एक्टिंग है और इंड्यूसिंग एजेंट है फेंटेनाइल जो है इसका ओपोआइड्स में यूज़ होता है तो जी कपल रिसेप्टर पर ये लोग एक्ट करते हैं फेंटेनाइल एक्ट करता है और ओपोआइड्स के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है पेन को लूज करवाता है डिसोसिएटिव एनस्थीजिया में कीडामाइन यूज़ होता है बेंडोडाइथिन डायजीपैम मेडोजेलम पैम पैम वाले इसमें आ जाएंगे बाकी इंड्यूसिंग एजेंट में हमारे पास क्या आ जाता है बारबीच्यूरेट्स हैं और मिसिलेस क्लास है ये जो थापेंट है ना ये जो है हमारे पास मिसिल ये हमारे पास बारबीच्यूरेट्स में आ जाता है बारबीच्यूरेट्स में आ जाता है बाकी प्रोपोफोलिटोमिटेड और डेक्स मिडीटो ये सब हमारे पास क्या uh, किस में आएगा ये हमारे पास मिसलिनियस क्लास में आ जाएगा तो इफ़ यू कैन डाइजेस्ट इट सो यू शुड और एल्स आई वुड सजेस्ट यू टू रिमेंबर इट बाय मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सो वी विल रिमेंबर इट बाय दैट सो मूविंग टूवॉर्ड्स नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल गाबा पोटेंशिएटर अब आपको पता है हमारे पास जो गाबा रिसेप्टर है वो हमारे पास गाबा रिसेप्टर क्या होते हैं इनिबिटरी न्यूरो होते हैं तो इनहिबिशन को हमें इंट्रोड्यूस कराना है ना हमें वाइटल्स को डिप्रेस कराना है थोड़ा हमें ब्रेन को काम करवाना है तो गाबा पोटेंशिएटर हमारे पास यूज़ होंगे जो कि एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है सबसे पहले प्रोपोफोल प्रोपोफोल अच्छा अब जो है ना इसमें क्या करना है अब आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो डायरेक्टली याद हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो याद हो गया गाबा पोटेंशिएटर का प्रोपोफोल इटोमीडेट और बारबीच्यूरेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो गया या बेंजोडाइजेपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारे पास क्या हो गया कि ये गाबा पोटेंशिएटर्स हैं और फिर ये इंडक्शन में यूज़ होते हैं इंडक्शन यानी अभी आपने पेशेंट को वेरी फर्स्ट टाइम जो एनेस्थेटिक इंट्रोड्यूस कराएंगे ना तो आप इंडक्शन के लिए ये यूज़ करेंगे गाबा पोटेंशिएटर यूज़ करेंगे अच्छा याद करने का तरीका यहाँ सिंपल सा नेमोनिक है यहाँ पर गाबा लाइक यू हैव टू जंबल बंबल लाइक दैट गाबा पाबा गाबा पोटेंशिएटर गाबा पाबा लाइक पी फॉर प्रोपोफोल ए फॉर एटोमिडेट यू हैव टू रीड इट लाइक ए टोमिडेट टोमिडेट राइट और बी फॉर बेंजोडाइजेपिन और बार्बी ज्यूलेट्स तो गाबा पावा सिंपल ईजी इंडक्शन में यूज़ होते हैं प्रोपोफोल एटोमिडेट और बार्बीचूलेट्स अच्छा Uh, हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कवर हो गया और हमारे पास इसकी ड्रग्स कौन कौन सी हैं वो कवर हो गई और हमारे पास इसकी इंडिकेशन क्या है कि इंडक्शन एनेस्थेटिक्स हैं ये कवर हो गया अब हमारे पास क्या है एडवर्स इफ़ेक्ट एडवर्स इफेक्ट हमारे पास क्या होगा कि प्रोपोफोल वाइटल की डिप्रेशन करवाता है यानी वैसे भी ना ये वी हैव टू लर्न एडवर्स इफेक्ट बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन तकरीबन तमाम के तमाम एनेस्थेटिक्स का एडवर्स इफेक्ट ये होगा कि वो वाइटल की ज़्यादा डिप्रेशन करवा सकता है मैक्सेंस सेंस राइट क्योंकि अगर थोड़ी सी डोज ज़्यादा हो गई तो वाइटल डिप्रेस होना शुरू हो जाएंगे आपका रेस्पायरेटरी कोलेप्स हो सकता है आपका सी जो है डाउन हो सकता है तो वाइटल डिप्रेशन आप जो है ना ये याद रखना है सी डिप्रेशन रेस्पायरेटरी डिप्रेशन नाउ एटोमी दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है एटोमी आपने लाजमी याद करना है ई फॉर एटोमी और ई फॉर इम्रायोसाइडल डल मीन यानी प्रेगनेंट वुमेन इसे लें, नहीं ले सकती लेंगी तो बहुत कोशियसली लेंगी जब कोई और नहीं अवेलेबल हो फिर एड्रीनल डिप्रे, डिप्रेशन नाव यू हैव टू रिमेंबर एटोमिडेड बाई एम एम पी एम होता है ना यू हैव टू रिमेंबर बाई एम तो ए फॉर एड्रीनल डिप्रेशन माओक्न सीजर एंड देन बार्बीच्यूरेट्स एंड बेनजो डाइजेबिन इसका बी फोर बार्बीच्यूरेट्स बेंजोडाइजेबिन दोनों का मैकेजम ऑफ एक्शन गाबा पाबा है और इसका एडवर्स इफेक्ट भी सेम है बी फोर ब्रोंकोस्पेजन सो राइट ईजी हैंडी लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट नाउ अब हमने इंडक्शन एनेस्थेटिक्स पढ़े थे इंडक्शन एनस्थेटिक्स हमारे पास क्या थे गाबा रिसेप्टर receptor... पोटेंशिएटर थे अब हमारे पास एन रिसेप्टर ब्लॉकर आ गए एन रिसेप्टर ब्लॉकर मिसाल के तौर पर इंडक्शन हो गई है लेकिन सर्जरी बहुत लॉन्ग है तीन आवर की सर्जरी है फोर फाइव सिक्स आवर तो एन की कंडीशन को अब तो मेंटेन करके रखना है ना ऐसा तो नहीं ना सर्जरी के बीच में पेशेंट को पेन होना शुरू हो जाए तो हमें मेंटेनेंस में जो यूज़ करने होते हैं वो कीटामाइन और नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है एन ओ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड इट इज़ अ गैस तो ये हमने वहाँ पर ये अगर कोई आपसे पूछेगा तो इन्हेलेशन कौन से हैं तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है मेंटेनेंस में यूज़ होते हैं यू नाइट्रिक ऑक्साइड इज़ एन आइडियल एजेंट एंड देर आर नो साइड इफेक्ट अब आप जो है ना छोड़ देंगे याद ही नहीं करेंगे नो साइड इफेक्ट नहीं आपने याद करना है दीज एमसीक्यूस क्यूज ऐसे भी आते हैं विच एनेस्थेटिक एजेंट डज नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट एंड कंसिडर इज आइडियल तो एन ओ नाइट्रिक ऑक्साइड हैज़ नो साइड इफेक्ट ठीक है और कीटामाइन कीटामाइन का एक आ, है कि वो प्रेशर इंक्रीज प्रेशर करता है अब वो ब्लड प्रेशर हो क्रैनियल प्रेशर हो कोई सा भी प्रेशर हो ये जो है उसको इंक्रीज़ करेगा नाउ अब बस एक क्लास रह गई है वी आर मूविंग सो फास्ट नाउ मल्टीपल एक्शन मल्टीपल एक्शन मीन्स ये गाबा पोटेंशिएटर भी हैं ये एन एम डी भी एन एम डी ए भी हैं हेलोथेन 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 इट इज़ रियली वेरी हाई क्वेश्चन ये मैंने बहुत पास uh, पेपर्स में देखा है हाईपर थर्मिया एच फोर एच हेलोथिन एच ना हेलोजिन फैमिली हेलोथेन ये है ये हेलोथेन क्या करवाता है हेपेटाइटिस भी करवाता है पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में हेलोथेन अगर आपने दिया है तो वो हेपेटाइटिस करवाएगा अच्छा ये भी सारे जो ना गैस वाले हैं रिमेंबर जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो गैस और ये आ रहे थे तो हेलोथेन हेपेटाइटिस हाइपरथर्मिया और हाइपोटेंशन सब जो है अब ये हेलो से याद कर लें देयर इज ओ एंड हाइपो में भी ओ है तो एच 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 मतलब कन्फ्यूजन हो सकती है ना हाइपर या हाइपो क्योंकि दोनों एच से आते हैं तो हेलोथेन में ओ है तो हाइपो हो जाएगा हेपाटाइटस और हाइपर थर्मिया हाइपर थर्मिया फीवर हो जाता है और एक्सेसिव जो है ना हमारे पास क्या होता है स्केलेटल मसल मूवमेंट हो जाती है तो हेलोथेन है नाओ मूविंग टवर्ड्स नेक्स्ट ई फ्लोरेन आइसो फ्लोरन लीवोफ्लोरिन ये भी जो है हमारे पास गैस वाले डिस्फ्लोरन uh, ये सब फ्लूरन जो है इनका वही नॉर्मल साइड इफेक्ट है कि सी वी डी डिप्रेशन रिस्पायरेटरी फंक्शन डिप्रेशन जो वाइटल्स uh, वाली बात की थी ना वो तो हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से चल रहे हैं जिसके खास साइड इफेक्ट हैं वो डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें याद होना चाहिए एजा फार्मासिस्ट हमें याद होना चाहिए साइड इफेक्ट नहीं पता होंगे हमें पता ही नहीं होगा कि ये कंडीशन हो रही है पे, पेशेंट की तो किस वजह से हो रही है तो हम उसकी ट्रीटमेंट कैसे दे पाएंगे सो दिस इज़ वेरी हाई यील्ड येशस्चन हेलोतन जो है हाइपरथर्मिया की कंडीशन करवा देता है तो फिर इसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं फ़ौरन से आप आ, ने जब ये कंडीशन देखी तो एज अ फार्मासिस्ट आप रिकमेंड करेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट आप जो दें वो दें डेंडलोन ओके डेंड्रोलिन डेंड्रोलिन आई मस्ट हैव जम्बर इट सो डेंड्रोलिन सो यू हैव टू टेक इट इन केस देयर इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ हेलोथेन सो दट्स इट लेट्स सी वट हैव वी कवर्ड वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड एवरी थिंग लेट्स जस्ट चेक आउट सो फस्ट ऑफ ऑल वी डिड द पर्पज हम क्यों देते हैं इसके लिटल मसल को रिलैक्स कराने के लिए और हमारे पास दूसरी जो चीज़ें जो हैं uh, सी एन एस को डिप्रेस कराने के लिए एमनेजिया एनर्जेजिया कॉन्शियसनेस को लॉस करवाने के लिए स्टेजेस हमारे पास चार स्टेजेस हैं और उसके बाद टाइप्स हमने पढ़ी हैं अगर हम मैकेजम ऑफ एक्शन के हिसाब से डिवीज़न करें दो तो भी और क्लासिफिकेशन के हिसाब से भी गैस और आईवी के हिसाब से भी इंडिकेशन इंडिकेशन तीन इंडिकेशन एक इंडक्शन के लिए दे रहे हैं आप एक मेंटेनेंस के लिए दे रहे हैं और फिर एक मल्टीपल पर्पस के लिए और साइड इफ़ेक्ट वी हैव टू यूज़ इट बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन जिसके मेन साइड इफेक्ट्स हैं हमने वो डिस्कस किए और जिसके स्पेसिफिक साइड इफेक्ट हमने वो डिस्कवर डिस्कवर्ड डिकस किए सो दैट्स इट आई एम ग्लेड वी आर वी हैव डन दिस टॉपिक एंड इट हैज़ टेक लॉट टाइम एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो थैंक यू